तो वेरिएबल्स की जरूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ आता है वीबीए प्रोग्रामिंग में। तो जैसे मैंने यहाँ पे 20 प्लस 30 कर दिया, अबे जो 20 प्लस 30 हुआ है ना सर, अबे 20 प्लस 30 को कहीं ना कहीं स्टोर तक करना पड़ेगा, राइट। अब स्टोर करने के लिए एक स्टोरेज लोकेशन चाहिए, तो लोकेशन में हम दे सकते हैं रेंज a1 dot value। तो ए क्या करेगा, a1 के ऊपर आपका जो 50 रिजल्ट है वो स्टोर कर देगा। मैं रन करके दिखा दूंगा, तो ए देखिए 50 आ गया। बट इसके लिए मुझे a1 को फ्रीज करके रखना पड़ेगा, मतलब कि उस पर कोई और वैल्यू ना हो, ऐसा करके रखना पड़ेगा, ओके? तो ये चीज हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि जो कैलकुलेशन हो वीवी के अंदर ही हो जाए। तो यहां पे हमने एक पी ले लिया, तो पी इक्वल टू 20 प्लस 30, और जहां मुझे अब इसकी रिजल्ट 50 की जरूरत पड़ेगी वहां पे हम पी ले लेंगे, राइट। अब मैं इसको रन करूंगा, रिजल्ट देखिए 50 शो कर रहा है। तो पी क्या हुआ, पी एक टेम्परली सेविंग लोकेशन हुआ। अब टेम्परली क्यों हुआ, टेम्परली इसलिए हुआ क्योंकि जब ये माइक्रो चलेगा तो पी नाम का लोकेशन आपके सिस्टम में क्रिएट होगा, और फिर जब पी खत्म होगा, माइक्रो जब खत्म होगा तो लोकेशन हमारा डिलीट हो जाएगा, राइट सर। तो वेरिएबल आता है, लेकिन हमने डायरेक्ट पी ले लिया, लोग इस पे ए करते हैं, वेरिएबल को डिफाइन करते हैं कि डिम पी एज ए इंटीजर। हम बिना डिफाइन के भी ले सकते हैं, क्योंकि बिना डिफाइन जब करते हैं तो हमारा पी जो है एक वेरिएंट बन जाता है। तो इंटीजर क्या हो, आप डिम मतलब हो गया डायमेंशन, पी के जगह पे आप अपना नाम दे सकते हैं एज ए इंटीजर। इंटीजर हो गया कास्ट, मतलब कि डेटा टाइप, ये इंटीजर है, मतलब कि हार्ड डिस्क के डायमेंशन में पी नाम का लोकेशन क्रिएट होगा जो इंटीजर डेटा टाइप को स्टोर करेगा। तो क्लियर है?